हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, जी हाँ, विश्वकर्मा पूजा के बारे में। विश्वकर्मा पूजा 2022 में कब है, पूजा विधि और संपूर्ण कहानी। जी हाँ, विश्वकर्मा पूजा की संपूर्ण कहानी। तो बने रहिए, आइए बताते हैं 2022 में विश्वकर्मा पूजा कब है। 2022 में विश्वकर्मा पूजा दिन रविवार 17 सितंबर को मनाया जाएगा। प्रत्येक साल कन्या संक्रांति के दिन ही मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? लगभग पिछले कई वर्षों से भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा 17 सितंबर को ही होती है, लेकिन आपको बता दें, भारत के प्रत्येक वर्ष में हिंदी महीने से तिथि की ज्ञात जाती है, परंतु जब विश्वकर्मा जी की बारी आती है तो ये हर वर्ष 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। इसके बारे में चलिए जानते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों से इस बात का उल्लेख किया गया है कि भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म इसी तिथि को हुआ था, जिसे यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा जयंती का भी नाम दे दिया और उस दिन दुकान, दफ्तर और बड़े बड़े स्थानों में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से की जाती है। कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, बिहार जैसे स्थानों पर विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा 2022 का शुभ मुहूर्त। हमें तो ये मालूम है कि विश्वकर्मा पूजा किस तिथि को मनाया जाएगा, परंतु पूजा का फल जब भी मिलता है जब उसे मुहूर्त में किया जाए, इसीलिए लोग शादी में मुहूर्त का इंतजार बेसब्री से करते हैं। उसी तरह विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति महापुण्य काल में मनाया जाता। उसकी शुरुआत 7:36 AM से 9:38 PM तक रहेगी। अगर इन शुभ मुहूर्त के बीच पूजन किया जाए तो पूजन का संपूर्ण फल मिलता है। विश्वकर्मा पूजा विधि। विश्वकर्मा जयंती हर साल तब मनाई जाती है जब सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन पूजा करने के लिए सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें, फिर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। पूजा में हल्दी, अक्षत, फूल, पान, लौंग, सुपारी, मिठाई, फल, दीप और रक्षा सूत्र शामिल करें। पूजा में घर में रखा लोहे का सामान और मशीनों को शामिल करें। पूजा करने वाली चीज़ों पर हल्दी और चावल लगाएं। इसके बाद पूजा में रखे कलश को हल्दी लगाकर रक्षा सूत्र बांधें। इसके बाद पूजा शुरू करें और मंत्रों का उच्चारण करते रहें। पूजा खत्म होने के बाद लोगों में प्रसाद बांट दें। ये जानते हैं विश्वकर्मा पूजा कौन कौन से लोग करते हैं। कलाकारों, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों के लोग करते हैं विश्वकर्मा भगवान की पूजा। विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर माना जाता है। उन्होंने ही ब्रह्मा जी के साथ मिलकर सृष्टि रचाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा भगवान ने ही देवताओं के लिए अस्त्र, शस्त्र और भगवान मंदिरों का निर्माण किया था। बता दें, विश्वकर्मा भगवान की पूजा सभी कलाकारों, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों से जुड़े लोग करते हैं। कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है विश्वकर्मा पूजा। सनातन धर्म में विश्वकर्मा भगवान को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है। विश्वकर्मा जयंती हर साल कन्या संक्रांति के दिन ही मनाई जाती है। इस साल भाद्रपद महीने में 17 सितंबर को कन्या संक्रांति और विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। भगवान विश्वकर्मा की पूजा का मंत्र। भगवान विश्वकर्मा की पूजा में ओम आधार शक्तिपेय नमः, ओम कुमेय नमः, ओम अनंतम नमः, ओम पृथ्वे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से जप करना अच्छा रहता है। पूर्ण होती हैं मनोकामनाएं। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं के लिए अस्त्रों, शस्त्रों, भवनों और मंदिरों का निर्माण किया था। सृष्टि की रचना में विश्वकर्मा ने भगवान ब्रह्मा का सहयोग किया था। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। व्यापार में वृद्धि होती है।
ये जानते हैं विश्वकर्मा भगवान के बारे में। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इस सृष्टि की रचना कर देंगे, परंतु इस पर जीवन यापन के लिए कुछ सुविधाएं वस्तु भी चाहिए। इसी को देखते हुए भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने इस सृष्टि के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म हुई उसी दिन को विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है, और पौराणिक कथाओं में ये भी उल्लेख किया गया कि भगवान विश्वकर्मा से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं वास्तुकार है। हिंदी ग्रंथों के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल तीन देवी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों के अलावा कोई और ईश्वर नहीं है, बाकी सारे देवता इन तीनों का अंश या अवतार कह सकते हैं। उसी में से विश्वकर्मा जी भी भगवान शिव का अवतार हैं। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये विश्वकर्मा पूजा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।